नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। 17वें लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बिहार में सत्तारूढ़ राजग के घटक दलों जदयू, भाजपा और लोजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारे नए अवसर खुल चुके हैं। विधायकों, विधान पार्षद के लिए राज्य मंत्री परिषद में चुने जाने, विधानसभा, विधान परिषद के खाली सीटों पर उनके लिए अवसर है। लंबे वक्त से बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, सदस्य के खाली पदों को भी भरने, ये राजग सरकार के लिए अवसर है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के तीन मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, दिनेश चंद्र यादव और पशुपति कुमार पारस लोकसभा के चुनाव में सफल हो गए हैं। फिलहाल बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 28 सदस्य हैं। इनमें से तीन के त्याग पत्र सौंपने के बाद ये संख्या सिर्फ 25 रह जाएगी। नियमानुसार मंत्रिमंडल में कुल सदस्य की तादाद 243 का 15% अर्थात मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्य हो सकते हैं। इनके अनुसार 11 सदस्यों की जगह खाली हो गई है। कम से कम आधा दर्जन नए सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने की आशंका जताई जा रही है। 12 विधायकों में 8 हार गए। इस मर्तबा जदयू के 4 विधायक, राजद के 5, कांग्रेस के 2, जबकि हम के इकलौते विधायक जीतन राम मांझी लोकसभा के चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। इन 12 विधायकों में 8 तो चुनाव हार गए, लेकिन जदयू के 4 विधायक दिनेश चंद्र यादव सिमरी बख्तियारपुर से, अजय मंडल नाथनगर से, गिरधारी यादव बांका से, दरौंदा की विधायक कविता सिंह के संसद पहुंच जाने से इस चारों सीट पर उपचुनाव होंगे। जदयू के 4 नए नेताओं को विधानसभा पहुंचने का अवसर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के किशनगंज विधायक मुहम्मद जावेद के यहीं से सांसद बन जाने से यहां पर विधानसभा उपचुनाव में एक नए नेता को अवसर मिलेगा। 2 सीटों पर विधान परिषद में भी अवसर मिलने वाला है। विधान पार्षद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जदयू एवं पशुपति पारस लोजपा के लोकसभा चुनाव जीतने पर विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 6 मई 2020 तक लल्लन सिंह का विधान परिषद में कार्यकाल है तथा 23 मई 2020 तक पशुपति कुमार पारस का कार्यकाल है। अभी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 1 जदयू और 1 भाजपा नेता को अवसर प्राप्त हुआ है। अभी नतीजे आने बाकी हैं। इस बार के चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी सफल हुए जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब उन्हें राज्यसभा की सदस्यता सांसद चुने जाने के बाद छोड़नी पड़ेगी, लिहाजा नए नेताओं के लिए उन सीटों पर जगह दिया जा सकता है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, लिहाजा वे राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र सौंपेंगे। ऐसे में राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा की बहुत सारी सीटें खाली हो गई है, लिहाजा वहां पर अब नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। नए लोगों को किस्मत इस तरीके से खुल सकती है और मौका मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।